आपको पता होगा साइक्लोन दाना आज रात ओडिशा में लैंडफॉल कर सकता है। साइक्लोन मुकाबला के लिए राज्य सरकार संपूर्ण रूप से तैयार है, इसलिए हमारा हर लेवल पे तैयारी चल रहा है और नियमित रूप से समीक्षा टाइम टू टाइम हो रहा है। आज मैंने और एक समीक्षा किया था, हमारा लक्ष्य है जीरो कैजुअल्टी, इसलिए जितने सारे लो लाइन एरिया है, जितने सारे वनरेबल जगह है, वहां से 100% इवैकुएशन करने के लिए तुरंत काम किया जा रहा है। हमारा टारगेट था इवैल्यूएशन करने के लिए 3,62,000 लोगों के इवैकुएट करने के लिए। अभी तक लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट इवैकुएशन हो गया। अभी तक 2,300 से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को भी सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित किया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थान में रखने के लिए जो हमारा साइक्लोन शेल्टर 7,000 से ज्यादा वो तैयारी और स्वतंत्र भाव रे उनका व्यवस्था किया गया है, उसमें से सबको रखा गया है। इसके लिए अतिरिक्त मेडिकल टीम और वेटनरी टीम का भी डिप्लॉय किया गया है। जिस गांव से लोगों को साइक्लोन सेंटर लिया गया है, उसी गांव में लोगों का भरोसा देने के लिए पुलिस तैनात किया गया है और पेट्रोलिंग भी बार बार वहां 24 आवर किया जा रहा है। इससे लोगों अपने धन संपत्ति और पशु संपत्ति को लेकर सुरक्षित महसूस जैसे करेंगे, इसी व्यवस्था सारी रूप से हमने कर रहे हैं। जिलों के हॉस्पिटलों में कंटिन्यूस पावर सप्लाई के लिए डीजी सेट, जेन सेट, इन्वर्टर, पेट्रोल डीजल के साथ साथ सारी किरोसिन तक हम जरूरी सामान को मौजूद ऑलरेडी रख चुके हैं। हम पूरी तरह से साइक्लोन के लिए तैयारी हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ के आशीर्वाद से हम हमारे जो मकसद है जीरो कैजुअल्टी, हम जरूर सफल होंगे। और आज इसलिए हर जिलों को भी जो अफेक्टेड जिला आ रहा है, उसमें से सीनियर आईएएस ऑफिसर जो सचिव स्तर पर उनको भी हम भेजे हैं और कलेक्टर को साथ देने के लिए, और सारी जगह जहाँ नीचे लेवल पर ब्लॉक और नीचे पंचायत और तहसील और गांव तक वो ऑफिसर लोगों भी जाते हुए वहाँ का स्थिति देखते हुए क्या कैसे उनको मैनेजमेंट किया जाएगा, लोगों को कैसे साइक्लोन सेंटर पर ला जा रहा है, और पुलिस पेट्रोलिंग के साथ साथ एनडीआरएफ टीम और उनके साथ साथ जो हमारा एनडीआरएफ ओडीआरएफ और पुलिस की सेंटर या पुलिस फोर्स उनको भी हमने नियोजित हर जिले में हर जगह में और सेंटर पर हमने रख लिए। और जो 10 जिला अफेक्टेड जिला है, उसी जिला में एक एक मंत्री को भी हमने दायित्व दिए हैं, वो वहाँ जाते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठते हुए जिला टीम को कैसे मैनेजमेंट में समर्थन और सहयोग करने के लिए वो टोटली घूम रहे हैं। वो भी निश्चित रूप से हम संपूर्ण तैयारी कर चुके हैं, जैसे भी अभी से शुरू होने जा रहा है और आज रात को 12 से 1 बजे के अंदर वो लैंडफॉल होगा और सुबह 6 बजे तक वो उनका प्रभाव रहेगा। जनरली जो भद्रक जिला और केंद्रापड़ा जिला, उसी के आसपास जो हमारा धामरा पोर्ट है और उनके बीच में जो हमारा भितरकनिका ये की जो स्थान है, वाइल्ड सेंचुरी है, उसी आसपास में वो लैंड होने वाला है।
और 100 से 120 किलोमीटर तक उनका जो विंड का प्रभाव होगा, इसी आधार पर उनका सारी अरेंजमेंट हम कर चुके हैं और रजिस्ट्रेशन करने के लिए सारी व्यवस्था कर चुके हैं। इसलिए हमको जैसे भी हो, जीरो कैजुअल्टी जैसे होगा उसी आधार पर सारी तैयारियां हो चुका है और उसी बारे में लेते हुए सेंटर को भी हमने रिपोर्ट दे चुके हैं। निश्चित रूप से हम जीरो कैजुअल्टी करेंगे और उसको मुकाबला करते हुए सफल होंगे। थैंक यू।